हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है जतिन खत्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ईशान डिजाइन से। तो आज फिर हम आ गए हैं एक छत की भराई पे, जहाँ पे आज सरिया बांधने का काम चालू है। सरिया बांधने के टाइम आपको मैंने हर बार बताया है कि हमेशा शटरिंग छत का लेवल हो जाए उसके बाद ही पूरा काम करवाएं आप। यहाँ पे बीम बांधने के बाद दीवार की शटरिंग हुई, दीवार कंप्लीट हुई, उसके बाद में इसकी शटरिंग का काम हुआ। शटरिंग जो ये प्लेट होती है, ये लोहे की जो प्लेट लगाई हुई है यहाँ पे, कई जगह पे लकड़ी की प्लेटें काम में ली जाती है। तो जब ये प्लेट का शटरिंग वगैरह काम हो जाए, यानी कि नीचे बल्ली लगेगी, ऊपर शटरिंग लगेगी, शटरिंग प्लेट लगने के बाद जो बीच का गैप होता है इस जॉइंट को फिलअप करने के लिए यहाँ टेप लगाते हैं। तो ये RCC की टेप आती है, आज ये वंडर कंपनी की RCC की टेप लेके आए हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनी की आती है, कभी अल्ट्राटेक की आ जाती है, कभी आपके नॉर्मली कोई वाइट टेप मिल जाएगी, तो ये कंपनीज अलग अलग आती है। तो इस तरह से टेप लगाने के बाद ही इसकी शटरिंग की भराई करवाएं। और एक चीज़ अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं, तो यहाँ प्लेट के ऊपर ऑयलिंग कर रखी है। ऑयलिंग इसीलिए की जाती है ताकि जब छत खुले तो नीचे की जो सरिया जो है और ऊपर जो RCC का मटेरियल लगेगा और प्लेट के बीच में वो जो सीमेंट की लेयर है, जो पपड़ी बनती है प्लेट और सीमेंट के बीच की, वो पपड़ी उखड़ के बाहर ना आए। ऑयलिंग से क्या होती है, प्लेट आराम से खुल जाती है और छत वहीं की वहीं टिकी रहती है, जो सीमेंट की पपड़ी है वो बाहर नहीं निकलेगी। इसीलिए यहाँ पे इसके ऊपर ऑयलिंग की जाती है। तो आप अपने घर में कराएं तब इसकी ऑयलिंग ज़रूर करवाएं। और जैसे ये पूरी छत आपको दिख रही है, इसमें हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो सरिया है वो क्रैंक उसके अंदर आने ज़रूरी है। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है बीम के दोनों तरफ क्रैंक के लिए सरिया एक्स्ट्रा उठाया हुआ है। इस छत में आपको दो सीढ़ियाँ दिखेगी, क्योंकि ये दो अलग अलग मकान हैं जिनकी छत एक साथ भरी जा रही है। यहाँ पर एक सीढ़ी है और एक सीढ़ी यहाँ पर दी हुई है। इसके अंदर आगे की तरफ गली है, यहाँ साइड की तरफ भी गली है। तो इस तरह से दो गली का मकान है और दो मकान ही बनाए हुए हैं। ओनर एक ही है लेकिन ये दो टुकड़ों में मकान बना रहे हैं। और इसके बाद में इसके अंदर छत के ऊपर जाली भी बांधी जाएगी, और जाली बांधने के बाद इसके अंदर वेंटिलेशन OTS वगैरह सब छोड़ा जाएगा। तो यहाँ अभी आप बीम बांधे हुए देख रहे हैं, जैसे यहाँ बीम बांधा हुआ आपको दिख रहा है, इसके अंदर 16 mm के 5 सरिये हमने काम में लिए। नीचे पूरी RCC ये दीवार है पत्थर की पूरी, यहाँ पे कॉमन दीवार होने की वजह से यहाँ पे हमने सरिया थोड़ा कम काम में लिया है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक बीम हमने सेंटर में लिया है, ये पूरे घर का पार्टीशन करता है। यहाँ पे हमने 16 के 8 सरिये लिए काम में, 16 mm का सरिया 6 इंच सेंटर से हमने रिंग को पैक किया है। तो इस तरह से यहाँ पे बीम का सरिया बांधा गया है। उसके अलावा अगर देखें तो यहाँ आप ये छत का सरिया बांध रहे हैं, जो कि 10 mm का सरिया, 10 mm में FE550D हम सरिया लेके आए हैं। और कंपनी जो है वो कामधेनु है, हमारे यहाँ ज़्यादा चलती है, नॉमिनल रेंज पे ये सरिया अवेलेबल हो जाता है। अभी जो छत की बंदाई हो रही है वो 6 इंच बाय 6 इंच सेंटर से हो रही है। दीपाराम जी हमारे RCC के ठेकेदार हैं, ये बाड़मेर में छत की भराई करते हैं। अगर किसी को करवानी हो तो इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और ये इनके पीछे स्टाफ है वो सब लगे हुए हैं। जी, छत की बंदाई और भराई होती है, इसके अंदर काफ़ी केयर रखनी पड़ती है। तो कुछ एक्सपीरियंस ठेकेदार हो उन्हीं को ये काम दिया जाता है, आप थोड़ा उसका ध्यान रख सकते हैं। तो आपको अच्छे ठेकेदार मिले उन्हीं से काम करवाएं, ऐसे वैसे लोगों से या नए लोगों से नहीं करवाएं। बाकी यहाँ आप देख रहे हैं हल्का सा यहाँ तिरछापन आपको देखने को मिलेगा, इसको हम छज्जे के अंदर सीधा कर देंगे। और भराई के बाद जब ये छत भरने की तैयारी आएगी उस दिन हम यहाँ पे, मैं आपको एक वीडियो और बना के आपको दिखा दूंगा। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में अगर आपको नीचे कोई कमेंट करना तो मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।